आज आपकी इतनी मैराथन मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग हुई है, महंगाई के लिए क्या किया? देखिए, महंगाई के लिए जो काम चल रहा है उसका उसका एक हिस्सा, आज पहला हिस्सा जो है उसके फैसले किए गए, और वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़रिए जो आवाम तक चीज़ें पहुंचानी है, बुनियादी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, चीनी है, आटा है, घी है, सारी चीज़ें, दालें, उसका एक पैकेज मंजूर किया गया। 15 अरब रुपए का एक पैकेज क्या उसका होगा मंजूर उससे? किया गया। उससे होगा ये, तकरीबन इस वक्त जो एस्टिमेट है हमारा, 50 लाख घराने जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करते हैं। ये जो एनहेंस पैकेज है इससे वो मजीद स्टोर्स अपने जो हैं उनको सप्लाई कर सकेंगे। तो 1 करोड़ घराने, 1 करोड़ घराने का मतलब हो गया तकरीबन 6 करोड़ लोगों तक ये जो बुनियादी अशिया हैं ये उस कीमत पे पहुंच सकेंगी जो हुकूमत की मुकर्रर करदा है, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त मिल नहीं तो रही। आप इसे बेहतर नहीं था कि पेट्रोल की या गैस की कीमत का आधी कर देते, 15 बिलियन दे के? 15 बिलियन से आधी नहीं हो सकती चल नहीं, गैस मैं बंद तो की तीस बेहतर। कर देते। तो ये लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पहला ये हिस्सा है। दूसरी जो चीज़ है, इन्हीं खाने की चीज़ों के ऊपर मजीद काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला अगली काबीना की मीटिंग के अंदर, ये तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स का था ना, मजमूई तौर के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन आपका सवाल एक लिहाज से बड़ा वैलिड है कि भाई खाने पीने की चीज़ें क्यों नहीं, पेट्रोल भरा क्यों नहीं। इस वक्त अगर आप अफरात ज़र देखें ना, तो अफरात ज़र का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो इस वक्त आ रहा है वो आ रहा ही खाने पीने की चीज़ों से है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पे इकदाम करके इनके ऊपर काबू पाया जाए और ये जो कीमतें ऊपर गई हैं यार इनको आप चला लोग जा कितने सके। मासूम हैं, माजरत के साथ, हालांकि हमारे दोस्त भी हैं, आप सब भी हैं, बाकी लोग भी दोस्त हैं, कि चीनी महंगी होती है तो जहांगीर तरीन साहब टीवी पे आके कहते हैं कि कसम ले लो मैंने नहीं कमाया। भाई कमाया नहीं, 1,18,000 टन सप्लाई कैसे की फिर? अगर वो उस पर 5 रुपए तो नहीं प्रॉफिट हुआ, और अगर 1.5 बिलियन नहीं हुआ फिर किसको हुआ प्रॉफिट? देखिए, वो देखे ना, आपके अपनी सफ़ों में लोग हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जो चीनी की कीमत आवाम पे, जिस पे वो आवाम ख़रीद रही है, वो जिम्मेदारी हुकूमत की है। बाकी एक बिजनेसमैन है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो उस पर मुनाफा बनाता है, बहुत अच्छी बात है, वो बेशक करे। अगर ये कीमत इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी है, तो जाहिर है जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है।